नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में जानेंगे सूर्य देव की महा उपासना वाले पर्व छठ के बारे में। क्या है छठ की महिमा, किस तरह से करना चाहिए छठ पूजा में, विधि विधान से इसकी पूजा होनी चाहिए और क्या सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, इन पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। जिन लोगों को राजकीय सेवा में, गवर्नमेंट जॉब में सफलता चाहिए या जो लोग राजकीय सेवा की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सूर्य भगवान को अर्घ्य देना ही चाहिए। सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल चढ़ाना चाहिए और अपने पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, अपने पिता का विशेष सम्मान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होगा, और अगर आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होगा तो राजकीय सेवा प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 18 नवंबर 2023 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 9:18 तक, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 7 तक, राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं क्या है छठ पूजा और इसका वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है, पंडित जी से समझते हैं। जी देखिए, भारत वर्ष में तमाम तरह के पर्व मनाए जाते हैं जिनका वैज्ञानिक महत्व भी है और जिनका पौराणिक महत्व भी है। छठ पूजा की अगर हम बात करें तो कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा का आरंभ हुआ था मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से, और अब ये पूजा, इसका विधान देश विदेश में फैल चुका है। अंग देश जहाँ पर आजकल भागलपुर है, मुंगेर है, उसके आसपास के इलाके हैं, अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है। और कहा जाए तो सूर्य पूजा की परंपरा वहीं से शुरू हुई है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु से, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति और उसकी आयु की रक्षा दोनों हो जाती है। सूर्य है संतान के नेचुरल सिग्निफिकेटर।
सूर्य वास्तव में संतान देने वाले ग्रह माने जाते हैं और षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा से संतान संबंधी समस्याओं का निवारण हो सकता है। इस महीने में अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो वैज्ञानिक रूप से अपनी ऊर्जा और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। यानी जो छठ की पूजा होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको स्वस्थ रखती है। मान्यताओं के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से जब आप छठ की पूजा करते हैं तो इससे आपके संतान पक्ष की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, पिता से इस समय आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और वक्त हो गया है छठ की पूजा का। विधि विधान क्या है ये जानने का। देखिए, छठ की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। मोटे तौर से देखें तो छठ की पूजा एक तपस्या है। कुल मिला के छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अरुण वेला में इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और चतुर्थी तिथि से स्वच्छता का बहुत पालन किया जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर जो होती है वो गन्ने के रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। तीसरे दिन
दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अर्घ में उन्हें विशेष प्रकार की फल और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, साथ में विशेष प्रकार का एक पकवान है ठेकुआ। ये और मौसमी फल भगवान सूर्य को चढ़ाए जाते हैं। जो अर्घ दिया जाता है ये दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। यानी कुल मिलाकर चार दिन की ये तपस्या है और इसमें मुख्य रूप से सूर्य भगवान को दो अर्घ दिए जाते हैं। पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को और अंतिम अर्घ उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। और वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि का, क्या है राशिफल जानने का। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं जी? आज का पहला प्रश्न राजेश जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं ये। 22 अगस्त 1995 का जन्म है, 9:05 रात को, जन्मस्थान है रोहतक हरियाणा। राजेश जी पूछ रहे हैं कि मैं काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगा? सरकारी नौकरी में जाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? राजेश जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। राजेश जी, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, एसएससी में, टैक्सेशन में नौकरी का प्रयत्न करें तो इन क्षेत्रों में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं
और सरकारी नौकरी पाने की संभावना साल 2024 में जरूर बनी हुई है। आप दो उपाय करिए। सबसे पहले तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करिए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, लेकिन अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी को आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी अगला प्रश्न वंदना जी ने हमें आजमगढ़ से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 26 अप्रैल 1997, 5:10 प्रातः। जन्मस्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा, मेरी पुत्री का स्वास्थ्य कैसा होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। वंदना जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, कुंडली के हिसाब से अगर आपकी पुत्री मेडिकल के सेक्टर में जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, टीचिंग जॉब में जाए या कानून के क्षेत्र में जाए तो उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकती है। तो इस दिशा में करियर की बेहतर संभावनाएं कुंडली में जरूर दिखाई दे रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको अपने डाइजेशन का, अपनी नसों का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में कुंडली में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है। फिलहाल आप इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें। लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से इनका जीवन बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा या व्रत के लाभ क्या हैं, किस तरह से हमें छठ पूजा करनी चाहिए और इससे जो लाभ मिलता है उससे हमारे परिवार का कितना भला होता है। देखिए, शुरुआत में ही आपको बताया कि सूर्य और षष्ठी का मतलब ज्यादातर होता है संतान। तो जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो या संतान होकर बार बार समाप्त हो जाती हो, ऐसे लोगों को छठ पूजा से, छठ के व्रत से अद्भुत लाभ होता है। अगर आपके पास संतान तो है लेकिन संतान पक्ष से कोई कष्ट है, संतान पक्ष से कोई दिक्कत है, तो छठ पूजा करना, छठ का व्रत करना विशेष लाभदायक होता है। यानी संतान से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है और आप छठ पूजा करते हैं या छठ के व्रत का पालन करते हैं तो आपको स्वयं भी फायदा होता है और आपके संतान की उन्नति भी होती है। अगर कुष्ठ रोग है, त्वचा की समस्या है या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है तो भी छठ पूजा करना, छठ के व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है या अगर सरकारी मामले में राज्य पक्ष से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई समस्या है,
तो ऐसे लोगों को भी इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। यानी अगर आप छठ की पूजा करते हैं तो संतान की बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही साथ सूर्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सूर्य से संबंधित जितने भी मामले हैं, वो तमाम मामले आपके बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान बनाए रखना है। सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं और परिवार में, पारिवारिक जीवन में भी समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनै शराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके लाभ होगा। संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं छठी मैया का व्रत रखने के बाद व्रत में हमें किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपको शुरुआत में ही बताया कि छठ की पूजा जो है, छठ का व्रत जो है, वो एक तपस्या है। तो इस व्रत की सावधानियां क्या हैं ये भी जानते हैं। छठ का व्रत अत्यंत सफाई और अत्यंत सात्विकता का व्रत है। छठ के व्रत में सफाई बहुत ज्यादा रखनी होती है और सात्विकता का अधिक से अधिक पालन करना होता है। इसमें कठोर रूप से, बहुत स्ट्रिक्टली सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता का और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। यानी घर में अगर कोई छठ का व्रत रखता है तो घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। घर में पवित्रता और सफाई बनी रहेगी, इस बात का ध्यान बनाए रखना होगा। व्रत रखने के पहले अपने स्वास्थ्य की स्थितियों को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको हाई बीपी है, आपको डायबिटीज है, तो आप बहुत सोच समझ के अपने स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके तब
तब व्रत रखिएगा, स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिएगा या अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिएगा कि मुझे व्रत रखना है तो मुझे दवाइयों में किस तरह के परिवर्तन करने होंगे। बहुत सोच समझ के, अगर आप बीमार हैं तो बहुत सोच समझ के इस व्रत को रखिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो मानसिक पूजा करिए, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका नया काम इस समय शुरू हो सकता है। परिवार में मंगल कार्य होंगे और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्वराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधा समाप्त तो होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न प्रीति शर्मा ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखती हैं ये। 23 सितंबर 1983 का जन्म है, 8:58 रात को, भटिंडा पंजाब। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, मेरा स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रहेगा? मैंने पन्ना और माणिक्य धारण किया हुआ है, क्या मैं भविष्य में हीरा पहन सकती हूँ? प्रीति, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा सूर्य की और अंतर दशा आपकी शनि की चल रही है। माणिक्य आपने बिल्कुल ठीक पहना है, आप कृपा करके पन्ना निकाल दें और दूर दूर तक आपको हीरा पहनने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा, क्योंकि हीरा धारण करने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केवल अभी एक माणिक्य पहने, साथ में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और गुडलक में वक्त आ गया आज के अंतिम सवाल का, तो देखते हैं आज का अंतिम सवाल जो है वो पंडित जी किसका लेते हैं। जी,
आज का अंतिम प्रश्न दविंदर जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 18 दिसंबर 1985 का जन्म है, 10:50 रात को भटिंडा पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरा पहला विवाह ब्रेक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, मैंने दूसरी शादी की है, दूसरे विवाह में भी मेरे काफ़ी समस्याएं हैं, क्या मेरा दूसरा विवाह चल पाएगा, मेरा स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रहेगा। दविंदर जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ, महादशा बुध की और अंतर दशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, दूसरा विवाह आपका चलना चाहिए इस बात की संभावना जरूर बनती है, लेकिन अभी आप शांति बनाए रखिए। जून 2024 तक जो आपका समय है वो बहुत निगेटिव है। जून 2024 बीतने के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपने माणिक के दाहिने हाथ में पहना है, अब आप एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा, तो एक आप माणिक्य के अलावा मूंगा भी पहन लें। रोज सुबह रोज शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहें, भगवान शिव का दर्शन करते रहें, उनको जल अर्पित करते रहें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी, एक सवाल था, जो छठ पूजा होती है इसमें सूर्य देव की ही पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि संतान के लिए तो बृहस्पति की पूजा की जाती है। जी देखिए, सूर्य जो हैं वो संतान के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं। संतान के लिए सूर्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी ही सूर्य हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि संतान के कारक ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं, लेकिन सूर्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर सूर्य कुंडली में बेहतर ना हो तो संतान से संबंधित बाधाएं या संतान से संबंधित दिक्कतें जीवन में पैदा हो जाती हैं। और आइए जानते हैं, जिनका जन्मदिन 18 नवंबर 2023 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 18 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। करियर में जब इस साल में बदलाव होगा तब इस बदलाव के बाद सुधार होगा। धन संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी भी इस साल में विलंब होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना आप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा। अगर आप छठ का व्रत न रख पाए तो भी क्या छठ में सूर्य देव को दोनों समय अर्घ दे सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, या अगर व्रत न रख पाए तो छठ में सूर्य देव को अर्घ नहीं दे सकते। देखिए, छठ के पर्व में सूर्य देव को अर्घ देना विशेष लाभकारी होता है। इस समय सूर्य भगवान को अर्घ देने के विशेष फायदे होते हैं।
अगर आप उपवास नहीं भी रख पाते तो सात्विकता और सफाई रख करके सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना हो, आपको दवाई खाने की मजबूरी हो, तो ऐसी स्थिति में आप पवित्रता और सफाई रखिएगा और दोनों समय यानी डूबते हुए सूर्य को भी और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं 18 नवंबर 2023 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो उतना आपको जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जितना संभव हो उतना जप करिए। ऐसा करने से करियर संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 18 नवंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने कष्ट के समय में क्या करें जिससे उनका कष्ट दूर हो जाए। आज की गुडलक राशि है मिथुन राशि। इनको कष्ट के समय में भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए या भगवान विष्णु के जो अवतार हैं भगवान कृष्ण भगवान राम, इनकी उपासना करनी चाहिए। अगर आप कष्ट के समय में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो ये पाठ करना आपके लिए लाभकारी अवश्य होगा। और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आप किसी गलत आरोप में फंस गए हैं, कोई गलत इल्जाम लग गया है, बेवजह के मुकदमे अपयश के शिकार हो गए हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे। रोज सुबह और शाम दोनों समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। दोनों समय कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और जितना संभव होगा जब तक आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे उतने दिनों तक सात्विक भोजन ग्रहण करने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो गलत आरोप से गलत अपयश से आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।